कश्मीर की हालत ऐसी खराब क्यों है, ये आप बेहतर जानेंगे। आप सबसे ज्यादा वहां पर रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात का जवाब सबसे ज्यादा देगी कि कश्मीर की हालत क्यों नहीं सुधर पाए इतनी कोशिशों के बाद भी। अगर आप कह रहे हैं कि नेहरू जी ने और फारूक अब्दुल्ला जी ने सब कुछ ठीक किया, क्या हुआ मैं बताऊंगी आपको। आप रहते नहीं है कश्मीर में, जानते नहीं है उसके हाल कैसे है। हुआ ये कैसे छोटे छोटे बच्चों के मन में जहर भर दिया गया, आप नहीं जानते क्या। मैं बताऊंगी क्या आपको, बड़ी विडंबना है। कोई जहर नहीं बोला गया, ये तो आप लोगों का बनाया हुआ है, रचा हुआ खेल है पूरे का पूरा। आप हालात ठीक ही नहीं, खेल आप करते रहिए और आरोप पढ़ते रहिए वहाँ पे, खेल आप करते रहिए आरोप पढ़ते रहिए। ललित जी कश्मीरी पंडित है, सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडितों का ही जिक्र होता है, उनसे स्टैंड ले लू मैं जरा, तंजीम डार जी ले लू उनसे मैं स्टैंड। ललित जी इस बात का जवाब दे दीजिए, जो इतिहास की गलतियों का जिक्र बीजेपी कर रही है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि इतिहास की गलतियों का खामियाजा आज तक जम्मू कश्मीर ने भुगता है और उसी की वजह से पीओके बन गया। पहले ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी, आपसे नहीं पूछा है मैंने तंजीम जी, ललित जी से पूछा। पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे सिर्फ एक कश्मीरी पंडित करके मुझे प्रस्तुत मत कीजिए। मैं एक कश्मीरी एक्टिविस्ट हूं और मेरा जो संदर्भ है कश्मीर का, पर्सपेक्टिव है, वो भारत के संदर्भ से है, भारत के पर्सपेक्टिव से है। मेरा मानना है कि अगर आपने कश्मीर जिहाद को कश्मीर में नहीं रोका, कश्मीर में इस्लामवाद की कब्र नहीं तोड़ी, तो हिंदुस्तान के कोने कोने में कश्मीर ऑलरेडी उभर के आ रहे हैं। आपकी चुनौतियां केरल से लेके आसाम से लेके राजस्थान से लेके कर्नाटका से लेके हर गांव से उतर रही है, वही जिन्ना की टू नेशन थ्योरी, यहां मेरा तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपको अगर उस मुसीबत से लड़ना है तो उसकी जड़ तक जाना पड़ेगा, इसलिए इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या हुआ था, महाराजा धीराज हरि सिंह महाराज, हमारे मेरे महाराजा, जम्मू कश्मीर को जिन्होंने इतना बड़ा राज्य बनाया था, इतना प्रोग्रेसिव राज्य बनाया था, पढ़ाई लिखाई दी थी, बिजली घर बनाया था, इतनी उन्होंने वहां पर तरक्की की थी। उनका पब्लिक स्टेटमेंट, मेरा धर्म मेरी जनता है, वो हिंदू महाराजा थे, चाहते तो पूरी उनकी आर्मी मुसलमानों से वर्जित होती, सिर्फ हिंदुओं की होती, 50% हिंदू 50% मुसलमान थे। लेकिन क्या हुआ, जब पाकिस्तानी दरिंदों ने हमला कर दिया, मैं अभी आऊंगा नेहरू जी के ऊपर, पाकिस्तानी दरिंदों ने जब हमला किया, जो महाराजा की फौज के अंदर कश्मीर के मुसलमान थे, उन्होंने अपने हिंदू सैनिकों को सोए हुए उनकी गर्दनें काट दी। अपने ब्रिगेडियर गंशारा सिंह जो गवर्नर थे गिलगित बल्तिस्तान के, उसको गिरफ्तार कर लिया। मेजर ब्राउन ने पाकिस्तान का झंडा चढ़ा दिया वहां पे, गद्दारी की वहां पे, पुंछ के अंदर रिवोल्ट हुआ, पूरे जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर है, आप जानते हैं वहां पे एक भी हिंदू और सिख तरीका नहीं है चर्चा करने का। दरिंदे आप इंटरप्ट करने थोड़ी ना आए सर, चर्चा से कोई बात नहीं, हम यही तो कोशिश कर रहे हैं। और ईसाइयों का खामोश हो जाइए थोड़ा सा, मैं खत्म करूं। अरे तो आप अपनी बात बारी पर काउंटर करिएगा ना, उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, आप नहीं बताएंगे कि उनको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, ये आप तय नहीं करेंगे। ललित जी बात कंप्लीट करिए, सुनिए सुनिए। जब महाराजा हरि सिंह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में थे, खड़े होकर बोला था उन्होंने यहां पर, मैं भारतीय हूं, मैं इसलिए नहीं कि जम्मू कश्मीर का महाराजा हूं, इसलिए उसका विलय होना चाहिए कश्मीर के साथ, भारत के साथ, जम्मू कश्मीर का भारत के साथ ऐतिहासिक सनातनी रिश्ता है, इसलिए मैं प्रथम भारतीय हूं, ये उन्होंने वहां बोला था। इसी वजह से अंग्रेज भी और कांग्रेस के नेहरू एंड कांग्रेस भी उनसे चिढ़ती थी। और क्या हुआ था, दोहाई दे रहे थे कि मैं आपके साथ विलय करना चाहता हूं, भिखारी बना दिया, जो हीरो है विलय का महाराजा हरि सिंह, उसको विलन बना दिया। लानत है हम पे जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर, हमने महाराजा के साथ गद्दारी की, जिसने विलय किया उसको एग्जाइल में भेज दिया, उनके उनके घर की इंट्रिक्स थी, बेटा उनको बना दिया प्रेसिडेंट, उनको घर से दफा कर दिया। मैं भी अपने आप को दोषी मानता हूं, अपने पूर्वजों से की तरफ से माफी मांगता हूं। आप कह रहे हैं इतिहास में गलतियां हुई जिसका खामियाजा कश्मीर ने आज तक भुगता है, ललित जी आप इसी बात का समर्थन कर रहे हैं। जब वो विलय मांग रहे थे तो आप भी, मैं बताना चाहता हूं जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया। जवाहरलाल नेहरू को मुझे इनको बता रहे हैं कि नेहरू जी और अब्दुल्ला की वजह से विलय हुआ, क्या औकात थी, ना नेहरू की औकात थी ना अब्दुल्ला की औकात थी, सिर्फ महाराजा इंडिपेंडेंस नहीं लगी जी, ऐसी बातें नहीं करेंगे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा शब्दों का चयन इस तरीके से करेंगे कि किसी को ठेस ना पहुंचे।
कश्मीर में क्या समस्या थी, क्यों उन्होंने और अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अब्दुल्ला, मैंने ठीक है मेरी मैं आपकी बात समझ गई, आप कह रहे इतिहास में ऐसा कुछ हुआ जिसका खामियाजा आज तक भुगत रहे, वही बात जो बीजेपी कह रही थी सर, ठीक है आप इतिहास की बात कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ है गगन भगत जी, तंजीम जी और तंजीम जी और ललित जी एक मिनट रुक जाइए, गगन भगत जी बार बार उंगलियां उठ रही हैं कि दोषी आप भी हैं, जो नेहरू और जो बात की जा रही है पांच गलतियां बीजेपी गिना रही है उसमें आपका भी नाम बार बार आ रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। प्राची जी अगर इंटरप्ट ना करें बीच में, सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा कि आज प्राची जी ललित जी और शांत हो जाइए, सब डाउन कर दीजिए इन दोनों का, बोलिए आप गगन जी बोलिए। हाँ जी, सबसे पहले मैं इंडिया टीवी के सारे दर्शकों को साथ ही पैनलिस्ट को शौर्य दिवस की बहुत बधाई देना चाहता हूं, और मैं एक बात कहना चाहता हूं, बहुत जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि आज जिस बात पे हम लोग बहस कर रहे हैं और ये जो भाजपा जो खुन्नस निकालती है कांग्रेस के नेताओं पर बाकी नेताओं पर, क्योंकि उनके पास अपनी कोई भी हिस्ट्री नहीं है, इनके पास अपनी कुछ विरासत में इनको नहीं मिला है, अगर कुछ मिला है तो सावरकर मिला है जो अंग्रेजों से पेंशन लेता था और नथुराम गोडसे मिला है, इनके पास इतिहास में कुछ भी नहीं है। और आज अगर बात करेंगे 370 हटाने के बाद जो भाजपा छाती ठोक रही कि हमने ये किया हमने वो किया, आज ये जो हमारे लंबरदार जी हैं इनसे पूछिए ये कश्मीर में 2019 5 अगस्त के बाद क्यों नहीं चले गए, वहां रहना क्यों नहीं स्टार्ट किया, आज यहाँ पर लंबरदार जी आके जो बात कर रहे हैं कि मैंने वहां किया यहाँ किया, तो इनसे पूछिए जाके। आज हमारा जो जम्मू था वो सिटी ऑफ टेंपल्स कहा जाता था, आज भाजपा ने सिटी ऑफ वाइन शॉप बना दिया, आज यहाँ पर वाइन शॉप बना दिया इन्होंने, तो यहां पर इसका भाजपा किस बात का यहां कर रही है, यहां तक तो इससे शर्म की बात क्या हो सकती है कि माननीय प्रधानमंत्री पल्ली में आए और यहां पर इतने देश भर से पंच सरपंच आए और जिन होटलों में रुके वहां पर भी बिल नहीं पिया गया, आज वहां पर जितने भी यहां पर डेली वेजर्स हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, कश्मीरी पंडित ये लंबरदार जी कह रहे हैं ना कि हम लोग यहाँ पर बहुत बड़े एक्टिविस्ट बने हुए हैं, क्या ये उन पंडितों के पास गए जो एजुकेशन में बैठे हुए हैं जो लगातार 3 महीने स्ट्राइक कर रहे हैं, किसने किया उनको कश्मीर छोड़ने के लिए गगन भगत जी, आप बीजेपी पर तो उंगली उठा देंगे लेकिन आप बच जाएंगे ऐसा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है प्राची, चलिए ठीक है, हमें काम नहीं आया हमें जनता ने साइड में बिठाया, आपको तो मैंडेट मिला है ना, आपको मैंडेट किसका मिला है, नेहरू की गलतियां निकालने का, अरे काम करिए, कौन रोक रहा है आपको पीओजेके पे स्ट्राइक ना करिए, सर्जिकल स्ट्राइक क्या करिए, वापस लीजिए उसको, और जितने हमारे रिफ्यूजी हैं चाहे वो कश्मीरी पंडित हैं चाहे पीओजेके रिफ्यूज वापस बिठाइए जाकर, कौन रोक रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।